दोस्तों अभी लाभा जो काम कर रहा है ना, वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहा है। प्राउड टू बी ए इंडियन। आज ओग्निश्री स्कैंडल लाभा इंडिया पर लॉन्च कर दिया ओग्नी 2। और इस फोन के साथ आपको जो स्पेसिफिकेशन जो प्राइस रेंज पर देखने के लिए मिल रहा है ना, कोई भी चाइनीज ऐसा ब्रांड नहीं है। रेडमी को छोड़ दीजिए, रियलमी को छोड़ दीजिए, इन्फिनिक्स को छोड़ दीजिए, वन प्लस को छोड़ दीजिए, जो भी चाइनीज ब्रांड है, और सैमसंग को तो छोड़ ही दीजिए, उस प्राइस रेंज पर वो वाला स्पेसिफिकेशन आपको इस टाइम पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। दोस्तों सब कुछ इन डिटेल इस वीडियो के साथ मैं शेयर करने वाला हूं। अलावा ओग्नी 2 इस फोन के साथ आपको जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, स्पेसिफिकेशन वगैरह क्या देखने के लिए मिल रहा है, प्राइस क्या है, ऑफर क्या है, फास्ट सेल आपको अब देखने के लिए मिलेगा, सब कुछ इन डिटेल इस वीडियो के साथ मैं शेयर करूंगा। वीडियो को लाइक देकर अंत तक देखिए, और इस टाइप का वीडियो मोबाइल अनबॉक्सिंग रिव्यू ऑफर रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों देखिए लाभा ओग्नी 2 डिस्प्ले का सेक्शन पर आपको 6.78 इंच का एक लार्ज डिस्प्ले मिलेगा। कर्व एमोलेड पैनल है, जी हां दोस्तों, कर्व एमोलेड पैनल विद 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश का सपोर्ट मिलेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वाकई में प्राइस रेंज जो है ना, इस प्राइस रेंज पर कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है जो इस स्पेसिफिकेशन के साथ आपको फोन देखने के लिए मिले। दोस्तों देखिए कैमरा का सेक्शन पर आपको ट्रिपल नहीं है, आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, और आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा भी देखने के लिए मिलेगा। आपको मैक्रो कैमरा एंड यूजलेस जो डेप्थ कैमरा है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। बट मेन कैमरा सेंसर जो 50 मेगापिक्सल का है वही काम का है, और आपको फ्रंट में इधर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा 500 के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। कैमरा सेटअप भी डिसेंट टाइप का आपको देखने के लिए मिल रहा है। देखिए प्रोसेसर का सेगमेंट में वाकई में बहुत अच्छा काम किया, डिस्प्ले का सेक्शन में तो काम किया ही है, प्रोसेसर सेगमेंट भी बहुत बढ़िया है। आपको इंडिया मीडियाटेक का डायमेंसिटी के अंदर नया जो प्रोसेसर है, रीब्रांडेड जो प्रोसेसर है, 7050 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिल रहा है। ये जो मीडियाटेक का जो प्रोसेसर था ना 1080, उसका रीब्रांडेड वाला आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिल रहा है। सेम टू सेम स्पेसिफिकेशन है, 6nm बेस्ड प्रोसेसर, 5G का सपोर्ट आपको मिलेगा, दोनों सिम में आप 5G चला सकते हो, एंड 13 5G बैंड का आपको इधर सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब एक पावरफुल प्रोसेसर विद 5G का कनेक्टिविटी। बैटरी के सेगमेंट पर आपको 4700mAh का बैटरी देखने के लिए मिलेगा। 66W का आपको चार्जर इन बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा। टाइप सी कनेक्टिविटी है, और इधर डुअल सिम का सपोर्ट मिलेगा, कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगा नहीं सकते हो, क्योंकि कोई भी सपोर्ट नहीं है। सॉफ्टवेयर का सेक्शन में भी बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि इधर आपको एंड्रॉइड 13 के साथ लाभा का ओएस मिलता है, और लाभा का जो ओएस है ना वो स्टॉक एंड्रॉइड का इंटरफेस प्रोवाइड करता है मोटोरोला की तरह। इधर आपको कोई भी ब्लूटूथ देखने के लिए नहीं मिलेगा, कोई भी ऐड देखने के लिए नहीं मिलेगा, आपको इधर कोई भी नोटिफिकेशन, अनवांटेड नोटिफिकेशन, एडल्ट ऐड आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो रियलमी रेडमी पर आपको देखने के लिए मिलता है, सब कुछ इधर देखने के लिए नहीं मिलेगा। और इधर आपको 3 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट भी देखने के लिए मिल जाएगा। 2 ईयर का आपको एंड्रॉइड का अपडेट मिलेगा, मतलब एंड्रॉइड का 14 एंड 15 का अपडेट आपको गारंटी के साथ देखने के लिए मिलेगा, एंड 1 ईयर का आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी पैच लेवल का अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। इंडिया पर एक ही वेरिएंट लाभा ने लॉन्च किया है, 8GB रैम के साथ 256GB इंटरनल मेमोरी, मेमोरी टाइप आपको देखने के लिए मिलेगा UFS 2.2, एंड रैम टाइप है LPDDR4X। और इधर जो प्राइस लाभा ने रखा है ना 21,999 रुपीज, मतलब 22,000 रुपीज, और उसके साथ आपको डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगा, आपको इंस्टेंट 2,000 रुपीज का कोई भी बैंक का, जी हाँ दोस्तों, कोई भी बैंक की तरफ से आपको इधर इंस्टेंट 2,000 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड पे। मतलब इसका जो बेस प्राइसिंग हो जाता है डिस्काउंट के साथ 19,999 रुपीज। अंडर 20,000 में जो स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बोला, वाकई में बहुत बहुत अच्छा स्पेसिफिकेशन है। देखिए रेडमी की तरफ से, रियलमी की तरफ से, वन प्लस की तरफ से, इन्फिनिक्स की तरफ से, उसके साथ IQ एंड मोटोरोला में भी आपको इस तरह का स्पेसिफिकेशन इस प्राइस रेंज पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। और सैमसंग का बाद, एप्पल का बाद तो छोड़ ही दीजिए, इस प्राइस रेंज पर कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है आपको इस तरह का स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करे, वो भी मेड इन इंडिया टैग के साथ। जी हां दोस्तों, मैं फुल रिकमेंड करता हूं इस फोन के साथ आप लोग जाइए और इस फोन को आप एक्सपीरियंस कीजिए। देखिए कर्व एमोलेड पैनल, स्टॉक एंड्रॉइड का इंटरफेस, क्लियर आपको एक डील इधर देखने के लिए मिल रहा है लाभा की तरफ से। दोस्तों लाभा का सर्विसिंग भी बहुत बढ़िया है, आपको डोर स्टेप पर सर्विस देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब फोन में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप फोन को डायरेक्ट चेंज कर सकते हो, अपने घर में बैठकर चेंज कर सकते हो। जो लाभा का पर्सन है घर पर आएगा और फोन को रिप्लेसमेंट कर देगा। दोस्तों लाभा अभी जो काम कर रहा है ना, वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहा है।
है, फुल रिकमेंड करता हूँ। इस फोन के साथ आप लोग जाइए रियलमी, रेडमी, इन्फिनिक्स, कोई भी चाइनीज वगैरह जो भी कंपनी है छोड़ दीजिए और इस फोन के साथ जाइए और इस फोन को एक्सपीरियंस कीजिए। और दोस्तों आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या सोच रहे हो, आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके हमको बताइए और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का।